मध्य प्रदेश में होली पर्व से पहले आदिवासी जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला भंगौरिया हाट उत्सव को लेकर लंबे समय से एक भ्रम फैलाया जा रहा है। राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि भंगौरिया उत्सव में लड़का लड़की भागकर शादी नहीं करते। सांसद सोलंकी ने कहा कि मैं खुद आदिवासी समाज से आता हूँ। भंगौरिया पर्व होली का एक उत्सव है, एक बाजार है जो होली पर्व से एक हफ्ता पूर्व शुरू होता है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और साथ में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारी सरकारों ने जनजाति समाज के लिए जो काम किया है वो पिछले 60 साल में किसी भी सरकार ने नहीं किया है। कांग्रेस सरकार ने तो फिर भी नहीं किया है। वोट बैंक समझाए जनजाति समाज को। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज गाँव तक सड़कें बनी है। हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को जो प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, उनको गैस के चूल्हे दिए गए हैं, उनको शौचालय दिए गए हैं, उनको किसान सम्मान निधि दी गई है, उनको आयुष्मान कार्ड बनाकर दिए गए हैं। ये सारे लाखों की संख्या में हैं और ये सब जिस दिन प्राप्त हो गए हैं जनजाति समाज के भाइयों और बहनों को, तब से निश्चित रूप से उनके आर्थिक संपन्नता तो आई ही है लेकिन उनका विकास भी हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार ध्यान दिए जा रहे हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं और अन्य छात्रावास की सुविधाएं भी दी जा रही, महाविद्यालय भी खोले जा रहे, विधि महाविद्यालय भी खोले जा रहे हैं और जनजाति जिलों में अब लक्ष्य भी है कि मेडिकल कॉलेज भी दिए जाएंगे और कृषि महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। तो हमारी सरकार तो लगातार निरंतर विकास की इस दिशा में आगे बढ़ रही है और जनजाति समाज के विकास का जहाँ तक बात है तो मैं उसी समाज का रहने वाला हूँ। जनजाति समाज का भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और लगातार इस विकास की कड़ी को बढ़ाया जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि जनजाति समाज की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी और जनजाति समाज संपन्न और खुशी से जीवन जिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।